कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बिना शायद राजनीति होना पॉसिबल ही ना। आखिर ऐसा क्या है इन दोनों में जो कभी मायावती तो कभी मुलायम तो कभी राजनाथ सिंह, इन सबको कभी ना कभी राजा भैया और धनंजय सिंह की जरूरत पड़ ही जाती है। दोनों नेता इस महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। यूपी की सियासत बहुत ज्यादा अहम मानी जाती है, लेकिन यूपी में बाहुबली नेताओं की भी कमी नहीं है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बिना शायद राजनीति होना पॉसिबल ही ना हो। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हर एक पार्टी का साथ दिया है और एक हर एक पार्टी में वो रहे हैं और हर एक पार्टी से दल बदल भी किया है। ये वो नाम है जिनके बिना शायद ही पूर्वांचल की राजनीति पूरी होती हो। धनंजय सिंह और राजा भैया पूर्वांचल की राजनीति की दो धुरी हैं। आखिर ऐसा क्या है इन दोनों में जो कभी मायावती तो कभी मुलायम तो कभी राजनाथ सिंह, इन सबको कभी ना कभी राजा भैया और धनंजय सिंह की जरूरत पड़ ही जाती है। एक जमाना था या ये कहें कि एक तारीख थी जो राजा भैया और धनंजय सिंह के लिए बहुत ही खास है। वो तारीख 14 मई थी जब दोनों नेताओं ने इसी दिन अपने करीबी लोगों की बैठक बुलाई। धनंजय सिंह ने जौनपुर में अपने घर पर मीटिंग बुलाई, राजा भैया ने प्रतापगढ़ में अपने बेंती पैलेस पर जनसत्ता दल के नेताओं की बैठक बुलाई। दोनों नेता इस महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं। इसके आगे रणनीति तय करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि अवधि में एक कहावत बहुत पुरानी है, ना लोटिया के ना धनापाप के, यानी ना इधर के और ना उधर के। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजा भैया और धनंजय सिंह का यही हाल है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अपनी पार्टी जनसत्ता दल है। इस पार्टी के दो विधायक हैं, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी समेत आसपास की लोकसभा सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है। चार चरण बीत चुके हैं, इन सीटों पर अभी मतदान नहीं हुआ है। पिछले 6 सालों से राजा भैया कई मौके पर बीजेपी का समर्थन भी कर चुके हैं। इसी चक्कर में उनका अखिलेश यादव से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। साल 2018 की मैं बात करूं तो राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन राजा भैया और बीजेपी के मामले में ऐसा नहीं है। अब तक तो राजा भैया ही बिना शर्त साथ निभाते रहे हैं। राजा भैया इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट से अपने सहयोगी शैलेंद्र कुमार को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी से बात नहीं बन पाई। बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद विनोद सोनकर को ही टिकट दिया है, जिसके बाद पूरी बाजी पलटती हुई नजर आई है। लेकिन इसके बाद बेंगलुरु में राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात हुई और दिल खोल कर बात हुई। कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे राजा भैया अब समाजवादी पार्टी के एक परमानेंट विरोधी के तौर पर देखे जा रहे हैं काफी समय से। वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीबी हैं। समझा तो ये जा रहा है कि अमित शाह ने राजा भैया को उचित मान सम्मान का भरोसा दिया है। अगर इतने पर ही राजा भैया मान गए तो फिर अपनी अगली बैठक में वो बीजेपी को समर्थन देने का फैसला कर सकते हैं। राजा भैया ने बताया कि बैठक में बाकी नेताओं की जो राय होगी वही उनका फैसला होगा। अगर ये कहा गया है कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे तो फिर वही सही। अब राजनीति में अंतरात्मा की सुनना बड़ी आम बात हो गई है। वही दूसरी ओर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जमानत पर बाहर हैं। उन्हें MP MLA कोर्ट से 7 साल की सजा हुई है। उनकी पत्नी श्रीकला सिंह जौनपुर से BSP की उम्मीदवार थी। उन्होंने नामांकन भी कर दिया था पर बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। सूत्रों का कहना है कि 3 दिनों पहले दिल्ली में धनंजय सिंह और उनकी पत्नी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से
मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात में क्या बात हुई अब तक तस्वीर साफ नहीं है। बीजेपी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सूत्र बताते हैं कि अगर धनंजय की पत्नी बीएसपी से चुनावी मैदान में रहती तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जौनपुर की सीट हार चुकी है, इसलिए पार्टी इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में है नहीं। धनंजय सिंह ने आगे की रणनीति तय करने के लिए अपने करीबी लोगों की बैठक बुलाई। समझा तो ये जा रहा है कि बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2009 के बाद से धनंजय की किस्मत मानो जैसे सोसी गई हो। 2014 का लोकसभा हारे, 2017 का विधानसभा हारे, 2020 का उपचुनाव हारे, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव भी हार गए। इन सभी चुनाव हारने के बीच बस एक इनके लिए उपलब्धि रही थी, वो अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर का जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाए। उन सभी हारों के बाद मिली ये जीत धनंजय के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि धनंजय की राजनीति का अस्त हो गया है, लेकिन इस नई चाल से धनंजय को अब नई ऊर्जा दी जा रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि धनंजय सिंह अब भगवा दामन थाम सकते हैं, यही अब वो भाजपा में जा सकते हैं। अब भाजपा का मिशन पूर्वांचल कितना सफल होता है ये तो अब चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। फिलहाल इन दोनों ही सीटों पर अभी मतदान नहीं हुआ है, इन दोनों सीटों पर मतदान होना बाकी है और पूर्वांचल की धुरी पर ये दोनों किस्मत अपनी खोल पाएंगे या नहीं ये महत्वपूर्ण है। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।